हेलो दोस्तों, यस पैथोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। आज के हम टॉपिक में लेके आए हैं हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इसके पहले बहुत सारे एमसीक्यू अपलोड हैं हमारे चैनल पे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप जा करके देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो एमएलटी के लिए एमसीक्यू होता है दोस्तों। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना दोस्तों। तो हम देखते हैं एमसीक्यू हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी से, तो स्टार्ट करते हैं हम। लिखा पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यह है कि साइटोसेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड फॉर, दोस्तों साइटोसेंट्रीफ्यूज जो होता है वो हम साइटोलॉजी लैब में हम यूज करते हैं। इसको हम बनाते हैं, साइटोस्पिन हम बनाते हैं दोस्तों, साइटोस्पिन बनाते हैं। किस चीज़ का बनाते हैं हम, जो साइटोसेंट्रीफ्यूज है ये साइटोलॉजी लैब में ज़्यादातर साइटोलॉजी में हम यूज करते हैं। तो जो ये साइटोस्पिन हम स्लाइड एक प्रकार का बनाते हैं वो कौन से फ्लूड के लिए या किसके लिए हम बनाते हैं, जो ऑप्शन में है, ऑप्शन में है स्पूटम, यूरिन, सीएसएफ, बोथ, बी एंड सी। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा है बोथ, यूरिन के लिए और सीएसएफ के लिए हम साइटोस्पिन बनाते हैं साइटोसेंट्रीफ्यूज द्वारा। दोस्तों उसमें क्या होता है कि स्लाइड बनता है, यहाँ से सेल बटन बनता है, यहाँ पे स्लाइड बनेगा, यहाँ पे यहाँ से सैंपल हम लोड कर करके डाल करके इसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बनता है स्लाइड बीच में सेंटर में दोस्तों, इसलिए साइटोस्पिन। अभी हम आपको यहाँ पे देखने को अभी आपको जो मिल रहा है ये साइटोस्पिन है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एफएनएसी का फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी इज टेकन फ्रॉम, एफएनएसी जो करते हैं हम कहाँ से करते हैं। ऑप्शन में है लिम्फ नोड, व्रिस्ट लंब, नोड्यूल्स, ऑल ऑप्शन है दोस्तों। इसमें से ऑल ऑप्शन सही है कि हम लिम्फ नोड से भी एफएनएसी का, व्रिस्ट लंब से भी करते हैं, नोड्यूल से भी करते हैं दोस्तों। हमारा राइट आंसर क्या है, ऑल ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। एक्सफोलिएटिव जो हमारा साइटोलॉजी है, मतलब दोस्तों क्या होता है, जो हमारा सुपरफिशियली जो हमारे स्क्रैप करके या ब्रशिंग करके जो हम जहाँ से हम सैंपल लेते हैं वो हम इसमें से किसकी लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन में हमारा स्पूटम, बॉडी फ्लूड, ब्रोंकियल ब्रशिंग, ऑल ऑप्शन। तो इसमें हमारा क्या है दोस्तों, ऑल ऑप्शन से ही करेक्ट है दोस्तों। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी, मतलब कि जो सुपरफिशियली हमारा जो कोई सा हमारा जो स्क्रैपिंग या ब्रशिंग हमारे सरफेस हो, सुपरफिशियली सरफेस, तो हमारा क्या हो गया, ऑल ऑप्शन करते हैं दोस्तों। राइट आंसर हमारा है ऑल ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि पैप स्मियर फॉर द स्टडी ऑफ हार्मोनल इफेक्ट इज टेकन फ्रॉम, दोस्तों पैप स्मेयर जो पैप स्टेनिंग होता है, पैप स्मेयर हम बनाते हैं वो हम किसके लिए बनाते हैं, और या हम किसके लिए बनाते हैं वो हमारे कैंसर देखने के लिए, सर्वाइकल कैंसर देखने के लिए इसलिए हम बनाते हैं कि पैप स्मेयर। तो पैप स्मेयर जो हम कर लेते हैं, ये हम जो सैंपल लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं। ऑप्शन में है सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस, ऑल ऑप्शन। दोस्तों अगर वेजाइना हम बोलेंगे, वेजाइना में तो हमारे सब फिर आ जाएंगे, सर्विक्स, यूट्रस, वेजाइना। तो दोस्तों इसमें से हमारा राइट आंसर जो है वो हमारा वेजाइना है, लेकिन अगर आप लोग कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस, तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑल ऑप्शन कर सकते हो दोस्तों, लेकिन इसमें हमारा क्या है, वेजाइना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये है कि वार्स बॉडी इज ऑब्जर्व इन सेल, जो बार बॉडी होता है दोस्तों, तो ये बार बॉडी कहाँ पे दिखता है दोस्तों। बार बॉडी ये होता है कि जो यक्स क्रोमोसोम होता है वहाँ पे एबनॉर्मलिटी होती है क्रोमेटिन की, जो क्रोमोसोम है, तो जो एक क्रोमोसोम है वो क्या होता है, एक अब्सेंट होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, एक्सचेंज होता है, बार्स ऑफ बॉडी बोलते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम का एबनॉर्मलिटीज होती है, तो इसे कहाँ पे मिलता ऑब्जर्व होता है, इंटरमीडिएट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि द मोस्ट कॉमन स्टेन इन हिस्टोपैथोलॉजी इज, दोस्तों जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में सबसे कॉमन जो हम स्टेनिंग यूज करते हैं उसका नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन में है एचएनडी स्टेनिंग, पास स्टेनिंग, जिम्सा स्टेनिंग, पैप स्टेनिंग, जितने भी स्टेनिंग है ये हिस्टोपैथोलॉजी लैब में स्टेनिंग होती है, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी में जो कॉमन स्टेन है वो हमारा एचएनडी स्टेनिंग है, हेमाटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडिसिव मीडिया, दोस्तों इसमें से एडिसिव मीडिया कौन सा है जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में हम यूज करते हैं। तो इसमें एडिसिव मीडिया मेयर्स ग्लिसरॉल एल्बुमिन, इसके बाद स्टार्च पेस्ट, प्लाज्मा, ऑल ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर हमारा जो दोस्तों ऑल ऑप्शन है, ऑल ऑप्शन, मेयर ग्लिसरॉल एल्बुमिन भी यूज करते हैं,
स्टार्च पेस्ट भी, प्लाज्मा भी, ऑल ऑप्शन। इसमें राइट आंसर हमारा क्या है, ऑल ऑप्शन। अगर दोस्तों इसमें से पूछा जाए अगर आपको मोस्ट कॉमन जो हमारे है एडिटिव है तो हमारा क्या होगा, मेयर्स ग्लिसरीन एल्बुमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर इन द क्रायोस्टेट कैबिनेट। दोस्तों क्रायो स्टेट जो होता है एक हमारा माइक्रोटोम है, जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में सेक्शन कटिंग के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोटोम, उसी में टाइप है मैं क्रायोस्टेट। क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का नाम है जो सेक्शन कटिंग करते हैं, टिश्यू सेक्शन कटिंग करते हैं। तो उसका टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, तो इसमें जो इसका टेम्परेचर होता है -2 से -25 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, क्रायोस्टेट होता है, इसमें बर्फ जमा होता है सर दोस्तों, ये फ्रीजिंग में होता है, डीफ्रीजिंग में। तो इसका टेम्परेचर होता है -2 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि फॉर अर्जेंट बायोप्सी है विच माइक्रोटोम इज यूज। अगर आपके पास अर्जेंट में कोई बायोप्सी आ जाए और उसका माइक्रोटोमिंग करना, सेक्शन कटिंग करना है, तो कौन सा माइक्रोटोम हम यूज करेंगे। इसमें ऑप्शन है ब्रेसलेट, रोटरी माइक्रोस्लाइडिंग और क्रस्ट। दोस्तों हम क्रायोस्टेट हम माइक्रोटोम यूज करेंगे, हमारे माइक्रोटोम के टाइप हैं, लेकिन इसमें से अगर हमको अर्जेंट बायोप्सी कोई आता है तो कौन सा माइक्रोटोम हम यूज करेंगे, तो क्रायोस्टेट करेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है द मोस्ट कॉमन यूज इन एम्बेडिंग मीडिया। दोस्तों जब एम्बेडिंग मीडिया हम टिश्यू का एम्बेडिंग करते हैं, जो सेक्शन कटिंग हमने एम्बेडिंग करते हैं तो मोस्ट कॉमन मीडिया कौन सा। इसमें ऑप्शन में है पैराफिन वैक्स, सिलाइडाइन, रेजिन और जिलेटिन। जितने भी हमारे हैं सभी हमारा एम्बेडिंग मीडिया, लेकिन मोस्ट कॉमन जो हमारा होता है पैराफिन वैक्स है। पैराफिन वैक्स जो हमारा होता है मोस्ट कॉमन एम्बेडिंग मीडिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि द मोस्ट कॉमन क्लियरिंग एजेंट यूज्ड एमंग द फॉलोइंग इज। दोस्तों जो हम हमारे जो एजेंट होते हैं क्लियरिंग एजेंट, हम क्लियरिंग एजेंट में जो टिश्यू होता है टिश्यू से हम रिमूव को करते हैं एल्कोहल को। पहले हम उसे क्या करेंगे, जो हमारे प्रोसेसिंग होती है टिश्यू प्रोसेसिंग की, उसमें हमारे क्लियरिंग एजेंट होता है। क्लियरिंग एजेंट हम रिमूव एल्कोहल, क्लियरिंग एजेंट से हम एल्कोहल को रिमूव करने के लिए ही हम यूज करते हैं। तो इसमें से मोस्ट कॉमन जो हमारा है क्लियरिंग एजेंट, इसमें ऑप्शन में है हमारा बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, जाइलिन और टोलिन। दोस्तों इससे कन्फ्यूजन ना हो, जितने भी हमारे ये ऑप्शन में है ये हमारे क्लियरिंग एजेंट चारों हैं क्लियरिंग एजेंट, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो जाइलिन यूज होता है दोस्तों क्लियरिंग एजेंट के रूप में। अब नेक्स्ट के देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा ये है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिकल्सिफाइड फ्लूड। डिकल्सिफाइड फ्लूड मतलब कौन सा, इसमें से डिकल्सिफाई करने के लिए कौन से हम रेजेंट का यूज करते हैं, कौन से एजेंट का यूज करते हैं। ऑप्शन में है 10% नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, EDTA, ऑयल एक्सचेंज। दोस्तों इसमें सब भी हमारे डिकल्सिफाई एजेंट है, बट जो मोस्ट कॉमन हमारा होता है नाइट्रिक एसिड होता है दोस्तों। नाइट्रिक एसिड कहीं कहीं आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा दोस्तों, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो। अगर दोनों ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड और फॉर्मिक एसिड तो नाइट्रिक एसिड में मार्किंग करना है, अगर एक है किसी में अगर फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एसिड में करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है कि डिकल्सिफाइंग सॉल्यूशन एमंग द सॉल्यूशन फॉलोइंग इज। इसमें से हमारे जो डिकल्सिफाइंग सॉल्यूशन है कौन से हैं दोस्तों, इसमें एक्वस नाइट्रिक एसिड भी है, पैनल हो गया, वन एबनर फ्लूड हो गया, ऑल ऑप्शन। तो इसमें हमारा ऑल ऑप्शन से हमारे ये हमारे डिकल्सिफाइंग सॉल्यूशन हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है द टिश्यू टेकन फ्रॉम डायग्नोसिस फ्रॉम द लिविंग बॉडी। अगर लिविंग बॉडी से अगर हम कोई भी टिश्यू हम कट कर निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायोप्सी, ऑटोप्सी, टिश्यू और नीचे ऑल ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर हमारा बायोप्सी। बायोप्सी दोस्तों हमारे लिविंग बॉडी से हम उसे क्या करेंगे लेते हैं। ऑटोप्सी इसलिए बोलेंगे क्योंकि डेथ बॉडी का जो हमारा होता है पोस्टमार्टम उसे ऑटोप्सी बोलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द टिश्यू टेकन फ्रॉम डायग्नोसिस फ्रॉम द डेथ बॉडी। उसके पहले था लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी में क्या था बायोप्सी हम लेते थे, लेकिन डेथ बॉडी में हम क्या लेंगे, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मैंने पोस्टमार्टम जो अगर कोई पेशेंट का डेथ हो गया है अगर हम उसका सैंपल अगर हम ले रहे हैं तो उसे हम ऑटोप्सी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि आफ्टर डेथ ऑफ द बॉडी, अगर डेथ हो गई है उसकी बॉडी को प्लेस द मॉडल रेफ्रिजरेटर इन द टेम्परेचर। अगर रेफ्रिजरेटर में हम रख रहे हैं तब कितने टेम्परेचर पे रखना होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन में है 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर जो हमारा होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं डेड बॉडी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि फिक्सेटिव प्रिवेंट द सेल फ्रॉम। दोस्तों जो हमारे
प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, जिसको हम फिक्जेटिव बोलते हैं। उसे क्या होते हैं फिक्जेटिव में, इसलिए हम बायोप्सी रखते हैं, किसी हम सेक्स को रखते हैं इसलिए, जैसे कि उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, शेप साइज जो है उसका मेंटेन रहे, उसमें जो मॉर्फोलॉजी उसकी है प्रिजर्व रहे हो। तो फिक्जेटिव प्रिवेंट द सेल, जो हमारे प्रिजर्वेटिव है या फिक्जेटिव जो हमारा है वो हम क्या यूज, मतलब हम उसको जो हम फिजेटिव में रखते हैं तो किस लिए हम रखते हैं, किससे वो बचाता है, और इसमें ऑप्शन में हाइटोलाइसिस प्यूटिफिकेशन बोथ एंड बी नन। दोस्तों दोनों से हमारा जो बोथ ऑप्शन है ए एंड बी ये राइट आंसर है। ऑटोलाइसिस मतलब उसे लाइसिस होने से, जो हमारे सेल्स हैं और टिश्यू से लाइसिस होने में बचाएगा, और प्यूटिफिकेशन प्यूटिफिकेशन में बताएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एफिनेसी इज यूज फॉर द लीजन्स ऑफ, एफिनेसी जो हम तो करते हैं कौन से लेजेंस के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन में है स्किन, लिम्फ नोड, ब्रेस्ट, ऑल ऑप्शन। तो राइट आंसर हमारा ऑल ऑप्शन, एफिनेसी जो हमारा था ऑल ऑप्शन के लिए करते हैं, ऑल्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन एफिनेसी अल्ट्रासोनोग्राफी इज यूज फॉर, दोस्तों हम इसमें किसी लिए करते हैं, हम एबडोमिनल एस्पायरेशन के लिए करते हैं। दोस्तों हमारा राइट आंसर है एबडोमिनल एस्पायरेशन, लेकिन अगर एबडोमिनल एस्पायरेशन के लिए हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों अगर इनमें कन्फ्यूजन हो तो इसमें आप कमेंट करके बताना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इन फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी द नीडल थिकनेस इज यूजुअली द रेंज, जो एफिनेसी की नीडल जो होती है उसके जो थिकनेस होती है, उसकी मोटाई होती है, वो कितने रेंज में होती है दोस्तों। तो इसका हम आपको बता दें कि आप इसका राइट आंसर है 0.5 to 0.9 mm तक होता है दोस्तों। अगर इसकी हम लेंथ की गेज की बात करें तो 21 to 22 गेज की होती है, जनरली हमारा 21 to 22 गेज की होती है। और अगर इसके हम और देखें कहीं कहीं आपको 22 to 27 तक मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर 21 to 22 गेज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि मैलिग्नेंट सेल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ देयर इन साइटोप्लाज्म, दोस्तों जो मैलिग्नेंट सेल्स है अगर हमको बहुत ज़्यादा नंबर में दिख रहा है, कहाँ पे दिखे, कौन से साइटोप्लाज्म में दिखेगा, इन देयर साइटोप्लाज्म, तो ये हमको सबसे ज़्यादा किस में दिखेगा दोस्तों, आरएनए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में, अगर नहीं समझ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, और जो कन्फ्यूजन हो, अगर आपकी राय है कि ये वाला क्वेश्चन में सही होना चाहिए, उसको कमेंट कर।